नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पिछले महीने एक खबर जोरों पर थी जिसमें बताया जा रहा था कि चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। और अब इसी कड़ी में अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने बयान दिया है, बुधवार को कहा कि लद्दाख में भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित किया जाना चिंताजनक है और इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां आंख खोलने वाली है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है और भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे रक्षा बुनियादी ढांचे चिंताजनक है। आपको बता दें कि भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच 5 मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं जब पेंगोंग क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आपको बता दें कि चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और रिहायशी इलाके जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित करता रहा है। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे कि वियतनाम और जापान के पास समुद्री सीमा विवाद है। लद्दाख में भारत चीन के सीमा गतिरोध के उनके आकलन के बारे में पूछे जाने पर फ्लिन ने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां आंख खोलने वाली है। भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किया जा रहे कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे चिंता की बात है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो चिंताजनक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है। उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करेगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।